हे गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आपके लैपटॉप का कर्सर माउस कर्सर डिसअपियर हो चुका है तो इस वीडियो में आप लोगों को 5 मेथड्स बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग अपने कर्सर को वापस पा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। यदि गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो हमारा पहला मेथड है दोस्तों, वो ये है कि आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना, अपने सिस्टम को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, तो आप लोगों को कीबोर्ड पे आना है। कीबोर्ड पे आप लोगों को प्रेस करना है Alt F4, ठीक है। दोनों Alt F4 को प्रेस करना है तो आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आ रहा है। आपको रीस्टार्ट करने के लिए जो यहाँ पे 4 एरो की होती है उसके अंदर जो डाउन एरो की को आपको प्रेस करना सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाउन एरो की को प्रेस किया तो यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया। उसके बाद आप लोगों को सिंपल एंटर कर देना, ओके कर देना यहाँ पे, और आप लोग का जो लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो जाएगा और आपका कर्सर इस प्रकार वापस आ जाएगा। यदि इससे भी नहीं होता है तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे। तो गाइस, यदि पहले मेथड से आपका कर्सर वापस नहीं आया तो दूसरे मेथड में आप लोगों को सिंपल विंडो की को प्रेस करना है और आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और आपको यहाँ पे सर्च करना है टचपैड। टचपैड को सिंपल यहाँ पे एंटर कर देना है। टचपैड को एंटर करते ही आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टचपैड ऑन ऑफ का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ है, मतलब आपका यदि ऑफ होगा तो आपका यहाँ पे कर्सर काम नहीं कर रहा होगा। तो आपको इसे ऑन करना है तो दोबारा आपको यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस कर देना है और आपका इस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। थर्ड मेथड में दोस्तों, आप लोगों को सिंपल अपने विंडो बटन को प्रेस करना है, जो हमारी विंडो की होती है कीबोर्ड पे, उसको आपको प्रेस करना है। और आपको यहाँ पे सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। मैंने यहाँ पे सर्च किया डिवाइस मैनेजर, आपको सिंपल यहाँ पे एंटर पर क्लिक कर देना। एंटर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस आ रहा है, यहाँ पे आपको आना है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको सिंपल टैब बटन को प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउन एरो की को प्रेस करके आपको यहाँ पे सिंपल माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस पे आ जाना है। यदि आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस शो नहीं हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है पहले से ही। आप लोग उस वीडियो को देख कर और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि आपका आ रहा है तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे एंटर पर क्लिक करना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस शो होने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपल यहाँ पे राइट एरो की को प्रेस करना है। राइट एरो की प्रेस करते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके माउस का जो नाम है डेल टचपैड, जिस कंपनी का होगा वो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो को प्रेस करके आप यहाँ पे डेल टचपैड पे आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ड्राइवर पे जाना है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन, हमें वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के लिए आप लोगों को सिंपल टैब बटन को प्रेस करना है। मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हम जनरल पे आ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे राइट एरो की को प्रेस करना है। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर पे आ चुके हैं। ड्राइवर के नीचे आप लोगों को यहाँ पे सिंपल डिसेबल डिवाइसेस के पास आना है। तो यहाँ पे हमें टैब बटन को आपको प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करके आप यहाँ पे डिसेबल डिवाइसेस पे आ जाइए। उसके बाद आप लोगों को सिंपल एंटर पर क्लिक करना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट एरो की को यहाँ पे यस कर दीजिए, मतलब आपको डिसेबल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दोबारा इसको इनेबल कर लीजिए। और मैं यहाँ पे दोबारा एंटर करता हूँ और मेरे जो डिवाइसेस है वो दोबारा इनेबल हो चुके हैं दोस्तों। और आपका इस तरह से जो कर्सर है वापस आ जाएगा दोस्तों। यदि इससे भी नहीं होता है, जो फोर्थ मेथड दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को सिंपल यहाँ पे नीचे आना है। टैब बटन पे प्रेस करके यहाँ पे अनइंस्टॉल डिवाइसेस का आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को एंटर करके अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोबारा इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम फोर्थ मेथड से भी सॉल्व हो सकती है दोस्तों। और ये सारे फंक्शंस काम करने के बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पे ऑल्ट को प्रेस करना है। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबाने वक्त आप देख सकते हैं हम फाइल पे पहुँच चुके हैं और हमें जाना है एक्शन पे। एक्शन पे जाने के लिए आपको यहाँ पे राइट एरो की को प्रेस करना है और आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आना है, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस के ऊपर आना। स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस के ऊपर आना है आपको। यहाँ पे डाउन एरो की यहाँ पर जाइए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल एंटर कर दीजिए और आप जो भी हार्डवेयर चेंजेस हुआ होगा इसके अंदर वो अपने आप ऑप्टिमाइज करके उसको सॉल्व कर देगा। यदि इन सबसे नहीं होता है, ये जो जितने भी मैंने आपको फोर मेथड बताए, इन सभी से आपकी आपका जो माउस कर्सर है वो वापस नहीं आता है, तो आप लोगों को हमारा जो फिफ्थ मेथड है उसे अप्लाई करना होगा। फिफ्थ मेथड में दोस्तों, आप लोगों को सिंपल अपने पावर बटन, जो हमारी लैपटॉप के अंदर जो मेन पावर बटन होती है, उसको सिंपल आप लोगों को ऑफ कर देना है। डायरेक्ट उसको ऑफ कर दीजिए
दीजिए, उसके बाद आप लोग उसको दोबारा ऑन करेंगे तो आपके माउस कर्सर दोबारा वापस आ जाएगा। दोस्तों मैंने माउस कर्सर को वापस लाने के लिए 5 मेथड्स आप सभी को बताया। यदि आपका फिर भी माउस कर्सर वापस नहीं आता है तो आप सभी को अपने विंडो चेंज करनी पड़ेगी। अक्सर बहुत सारी विंडोज में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर माउस कर्सर का जो प्लगइन होता है वो इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप सभी को अपनी विंडो चेंज करनी पड़ेगी। आई होप मैंने 5 मेथड्स बताए और आपका माउस कर्सर वापस आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।